दोस्तों, सिक्स पैक बनाना हर किसी का सपना होता है। हर कोई इंसान चाहता है उसकी अच्छी बॉडी हो, एक अच्छी पर्सनालिटी हो और हर कोई उसे देखे। अगर आप भी अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं और सिक्स पैक बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत सारे लोग मेहनत तो कर लेते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं, पसीना बहा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके सिक्स पैक नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ मेहनत करने से सिक्स पैक नहीं बनते दोस्त, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिन्हें आप इन्हें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके सिक्स पैक बनेंगे। तो कौन कौन सी बातें हैं, चले बात करते हैं। आपको पता है डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके सिक्स पैक बनाने के लिए, और आप सभी को पता भी होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको कौन से चीज़ें नहीं खाना है जिससे आपके सिक्स पैक बनेंगे। पहली चीज़ है आलू। फ्रेंड्स, आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपके वेट बढ़ाता है। अगर इसका सेवन ज़्यादा करते हैं तो आप सिक्स पैक नहीं बना पाएंगे, इसको अवॉइड करें। अब बात करते हैं, जैसे कि सफ़ेद ब्रेड हो गया है या सफ़ेद राइस या वाइट पास्ता, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। सफ़ेद ब्रेड और वाइट चावल और वाइट पास्ता, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, और इसकी बजाय आप ब्राउन ब्रेड करें, ब्राउन राइस खाइए। और तेल की जो चीज़ें होती है, जो उबली हुई चीज़ें होती है जो तेल में फ्राई होती है, इसे अवॉइड करिए। जैसे बहुत सारे लोग क्या आज भागदौड़ की ज़िंदगी में फास्ट फूड यूज़ कर लेते हैं, जिससे आपको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, ना तो प्रोटीन मिल पाता है, जिससे आपका फैट बढ़ जाता है। इन चीज़ों को अवॉइड करिए दोस्तों। और बहुत सारे लोग जो है वो घी और मक्खन खाने के आदी होते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ों को अवॉइड करना होता है। बहुत सारे लोग ब्रेड के अंदर मक्खन लगाते हैं, बटर लगाते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ों को अवॉइड करना अगर आप सिक्स पैक बनाना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीनी। बहुत सारे लोग चाय का सेवन ज़्यादा करते हैं, दो बार तीन बार कर लेते हैं, और शुगर, आपको पता है सबसे ज़्यादा जो कैलोरीज होती है वो शुगर में होती है, तो आपको इसको अवॉइड करना पड़ेगा, चाय या इस या शुगर से बनी हुई चीज़ें। और इसके अलावा आपको इग्नोर करना होगा फ्रेंड्स मैदा से बनी हुई चीज़ें। मैदा से बनी हुई चीज़ें जैसे कि समोसा या कुछ भी भजिया वगैरह हो गया, या कुछ भी नूडल्स वगैरह, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना। और बहुत सारे लोग जो है टेस्टी है, या आप कुकीज़ वगैरह खाते हैं या केक वगैरह खाते हैं, तो उसको भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो इसके अंदर जो इंसुलिन शुगर होता है, जो आपके इंसुलिन बॉडी का हाई लेवल बढ़ा लेता है, और जिससे आपका जो है फैट कभी भी कम नहीं हो पाएगा। अगर आप सच में सिक्स पैक बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा और रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब जाके आपके सिक्स पैक बनेंगे। मेहनत तो सभी कर लेते हैं, जिम में वर्कआउट भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ खान इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। आपको कुछ खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको पता है ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, लेकिन आज जो मैंने बताया कौन सी चीज़ें आपको नहीं खाना है, इन पे फोकस करना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाले वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।